हाय एवरीवन। तो पहले की वीडियोस में हमने ये वाले दो क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। ठीक है, तो इसके बाद ये चारों क्वेश्चन तो बहुत बेसिक थे। अगर आप सीधा जंप करना चाहोगे इन क्वेश्चंस पे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर लीजिए। अगर बेसिक से चलोगे तो वो चेन टूट जाएगी ना। देखिए, ये चेन होती है जैसे ट्रेन की, अगर ये वाले मिस कर दिया तो ये कैसे चल पाएगा, मतलब पीछे वाले मिस कर, आगे वाले मिस कर रहे हैं तो पीछे वाले कैसे ले जाओगे आप। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे आपने कोड सीख भी लिए और धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ रहे हो। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन, देरी ना करते हुए। हमारा आज का क्वेश्चन है नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, अरे वही ले लेते हैं, टू फोर टू थ्री एट एंड टेन, 4 2 1 8 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट, मतलब अब राइट में जो है इस तरफ मूव करना है। पिछले क्वेश्चन में हम इस तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए अब आई की वैल्यू अगर 4 पे है तो 4 के राइट में देखिए, 4 के राइट में ये वाला एरे होगा। इस एरे में 4 से छोटा है 2, तो हाँ 2 रिटर्न कर देगा, छोटी वैल्यू रिटर्न करवानी हमें। फिर 2 पे जाते हैं, 2 से छोटा है 1, तो 1 रिटर्न कर देगा क्योंकि 2 के राइट में ये वाला एरे हो गया ना। फिर 1 पे जाते हैं, 1 से छोटा है 8, नहीं है। फिर उसके नेक्स्ट पे देखते हैं, 1 से छोटा है 10, नहीं है, तो -1 रिटर्न कर देगा। 8 में देखते हैं, 8 क्या 10 से, 8 के राइट में क्या है, 10 है, 10 से छोटा है 8 ना, 10 8 से छोटा है, -1 नहीं है, तो 10 10 के लास्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो ये देख लीजिए -1। ठीक है, तो अब इसका ब्रूट कोड लिखते हैं, 4 int, कहाँ से कहाँ तक चला int, i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n तक चला है, क्योंकि nth वैल्यू विद -1 दे दिया i++। और j वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चला है, j इज इक्वल टू j i+1 से, क्योंकि ये वाला एरे है, i+1 से लेके j कहाँ तक चला है, j लेस देन इक्वल टू n तक चला है, j लेस देन इक्वल टू n तक चला है, और j++। तो ये देखिए आप, j वाला डिपेंडेंट i पे, तो इसका मतलब क्या लगेगा, स्टैक लगेगा इसके अंदर, स्टैक। ठीक है, तो अब स्टैक लगेगा तो वही कीजिए आप, स्टैक से सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं इसको। ये एरे था हमारे पास 4 2 1 8 10, तो इसको अब स्टैक की मदद से सॉल्व आउट करते हैं। स्टैक क्या बनेगा, ये ठीक है, तो कैसे मूव करना हमें, देखिए स्टैक के अंदर अगर ये 2 ले आते पहले ही तो ये तो नीचे हो गया, वैल्यू इस साइड से डालनी पड़ेगी हमें, मतलब वापस इस तरफ चलाना पड़ेगा लूप को। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलाएंगे स्टैक में फिल करने के लिए वैल्यू, क्योंकि ताकि वो सबसे बड़ी वैल्यू वो ऊपर आ जाए उसके पास वाली। ठीक, जैसे 4 के लिए देखते हैं हम, 2 राइट वाला एरे है, अगर इस साइड से चलाते हैं तो क्या आएगा, देखिए 4 के लिए देखते हैं, अगर इस साइड से चलाते हैं तो देखिए 4 के लिए स्टैक के अंदर डाल के देखते हैं, 4 के लिए क्या आएगा, 2 फिर 1 फिर 8 फिर देन 10। तो सबसे पहले जो वैल्यू देखेंगे वो 10 देखेंगे इसमें, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक के अंदर। इसी तरीके को अगर हमें देखना कौन सा था, सबसे पहले 2 देखना था, 2 तो सबसे नीचे हो गया, तो इसका मतलब इसको
अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करते हैं। ये हमारे पास अपना एरे हो गया 4, 2, 1, 8 एंड 10। ठीक है, और हमारा स्टैक हो गया ये स्टैक, और एक वेक्टर बना लेते हैं वेक्टर वी, ये वेक्टर आउटपुट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इस साइड से मूव करना है ना 4 के लिए, डालना इस साइड से 10 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, देन 2 आएगा और देन 4 आएगा इसके अंदर। ये हमारा स्टैक होगा इस साइड से चले हम। अब 10 के लिए देखो, 10 के लास्ट में क्या है, कुछ नहीं है। ये एक स्टैक दोबारा बना लेता हूँ, इसके अंदर तो मैंने फिल कर दिया था ना दोबारा दिखाने के लिए। 10 के लिए देखते हैं, 10 के लिए स्टैक एम्प्टी है क्योंकि राइट में कुछ है ही नहीं, तो -1। फिर 8 के लिए 10 आ गया अंदर। ठीक है, 10 क्या छोटा है 8 से? नहीं है, तो क्या -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर 1 के लिए देखते हैं, 1 के लिए राइट में क्या क्या है, 8 और 10, क्या 8 छोटा है 10 से? नहीं है, पॉप कर जाएगा। क्या 10 छोटा है 1 से? नहीं है, पॉप कर जाएगा। तो इधर भी क्या आ गया, -1। ठीक है, अब देखते हैं 2 के लिए, 2 के लिए 1 और आ गया इधर, आई इधर से इधर शिफ्ट हो गया, पहले यहाँ पे था, पहले 10 देखा, फिर 8 देखा, फिर 1 देखा, और अब 2 देखते हैं। 2 के लिए 1, 8 एंड 10 आ जाएगा। क्या 1 छोटा है 2 से? हाँ है, तो ये वाला एसटॉप प्रिंट करवा देगा हमारा किधर, आउटपुट के अंदर, तो 1। ठीक है, और फिर देखते हैं हम 4 के लिए, 4 के लिए राइट एरे क्या क्या है, ये वाला है 2, 1, 8 एंड 10, तो 2 और आ जाएगा इधर। देखिए अब क्या 2 छोटा है 4 से? हाँ, 2 छोटा है, तो ये वाला एसटॉप के अंदर चला जाएगा, वेक्टर के अंदर स्टोर हो गया। तो ये देखिए, ये वाला आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट को हमारे पुराने आउटपुट से मैच कीजिए, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेंजेस देखते हैं क्या क्या ये है चेंजेस, क्योंकि हमारे लिए तो मायने क्या रखता है, चेंजेस ही रखता है। क्या क्या चेंजेस आई है, पहला चेंज क्या आया इसके अंदर, पहला चेंज जो हमारा पहला वाला था, नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट वाले से मैच करते हैं, एक तो चेंज आ गया इसके अंदर। चलो पिछले वीडियो से देख लेते हैं, एक तो रिवर्स करना पड़ेगा इसको, इसके वेक्टर को रिवर्स द वेक्टर। ठीक है, दूसरा चेंज क्या आ गया इसके अंदर, लूप को क्या करना पड़ेगा हमें, स्मॉलर के लिए करना पड़ेगा, चूज स्मॉलर। ठीक है, और तीसरा चेंज इसके अंदर क्या आ गया, चूज स्मॉलर हो गया, रिवर्स कर दिया वेक्टर को। और तीसरा चेंज हमारा देखिए यहाँ पे, कि जो हमारा ये वाला जो जे वाला लूप चला रहे हैं स्टैक के लिए, वो उल्टा चलाना पड़ेगा हमें, मतलब वापस की तरफ चलाना पड़ेगा। ठीक है, वापस की तरफ चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाला राइट टू लेफ्ट चलाना पड़ेगा फिर, इसलिए राइट टू लेफ्ट जे वाला लूप को। तो क्या हो जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका कोड, तो कोड पिछले वाला ही देख लेते हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर के लिए ये वाला पॉइंट ठीक है हमारा, थर्ड पॉइंट ठीक है, स्मॉलर के लिए चलाना पड़ेगा, और राइट टू लेफ्ट चलाना है, राइट टू लेफ्ट के लिए ये भी, ये वाला भी ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें, रिवर्स करना है तो ये वाला रिवर्स करना है, ये वाला पॉइंट भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या देखा था कि रिवर्स नहीं करना था, इसमें रिवर्स करना है। बस ये माइन्यूट चेंजेस से हम क्या कर लेंगे, हमारा आउटपुट अचीव कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।